हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रूपा और आज मैं आ गई हूँ सफोला मसाला ओट्स के और एक वेरिएशन के साथ। ओट्स तो हम सबको बनाना आते ही है, लेकिन मैं आज बनाऊंगी थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ और आज मैं बनाऊंगी सफोला मसाला ओट्स मैड्रस सांबर। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं सफोला मसाला ओट्स मैड्रस सांबर। लेट्स बिगिन। सफोला मसाला ओट्स मैड्रस सांबर बनाने के लिए मैंने ले लिया है सफोला मसाला ओट्स के ऐसे एक ट्रायल पैकेट 38 ग्राम के। ये 15 रुपीस का पैक है। तो चलिए आज इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून आनियन फाइनली चॉप्ड किए हुए, 1 टीस्पून टमाटर फाइनली चॉप्ड किए हुए, साथ ही साथ ले लिया है थोड़ा सा करी लिप्स, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, एक रेड चिली, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और मैं यूज करूंगी रिफाइन ऑयल। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए मैंने पैन चढ़ा दिया है और अभी ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून रिफाइन ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गए है, ऐड कर दूंगी रेड चिली, जीरा एंड मस्टर्ड सीड्स, साथ ही साथ ऐड कर दूंगी सॉल्ट, मिला दूंगी थोड़ा सा ऐसे, ऐड कर दूंगी आनियन टमाटर एंड करी लिप्स, थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। सारे चीज हमारा फ्राई हो गए है, ऐड कर दूंगी 100 ml वाटर और अभी पानी में उबाल आने तक वेट कीजिए। पानी में उबाल आ गए है तो अभी ऐड कर दूंगी सफोला मसाला ओट्स मैड्रस सांबर के पूरा एक पैकेट, ऐसे ऐड कर दीजिए और अभी मिला देंगे सारे चीजों को। फ्लेम को मीडियम में कर दीजिए, ऐसे मिला दीजिए और अभी 3 मिनट तक इसको, देख लीजिए 3 मिनट हो गए है और हमारी सफोला मसाला ओट्स मैड्रस सांबर अभी एकदम रेडी है। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहे है। तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं और इसको सर्व कर देते हैं। देख लीजिए मेरी सफोला मसाला ओट्स मैड्रस सांबर अभी एकदम रेडी एंड सर्व्ड। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी ना तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।